हरिओम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने घर पे छोटे छोटे उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपके ग्रह जो आपके प्रतिकूल चल रहे हैं या आपके साथ कोई नकारात्मकता है तो वो दूर हो जाएगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगी। इसको आप टोटका कह सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय दोस्तों जो ग्रहों की शांति के लिए भी किए जाते हैं, तो आप इनको करें और अवश्य फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास यदि होगा, विश्वास आपका जितना दृढ़ होगा, भगवान कहीं नहीं बैठे हैं, भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा बैठे। तभी तो कहते हैं कि यदि मन से करेंगे, मन से बोलेंगे, मन से सोचेंगे, दिल से बोलेंगे, दिल से करेंगे कोई चीज़, तो वो अवश्य ही होगी। यदि आप किसी चीज़ को, किसी कार्य को दिल से करते हैं तो वो कार्य आपका 100% शत प्रतिशत जो है वो पूर्ण होगा, आपको सफलता मिलेगी जीवन में। विश्वास पे दुनिया कायम है। आपको आज के जो हम उपाय बता रहे हैं तो नहाते समय आपको ये उपाय करने हैं। हफ्ते में 2 दिन नहाने के पानी में आपको नमक डाल करना है, खास करके मंगलवार और शनिवार को। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में जो भी नकारात्मकता है या नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। और सोमवार के दिन आपको पानी में कच्चा दूध डालकर नहाना है। उससे आपके जीवन में एक सकारात्मकता आती है और तो मानसिक जो है शांति मिलती है, आपको तनाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति सही नहीं है, वो स्थिति आपकी मजबूत होती है। और गंगा जल को डालकर नहाने से आपके जो पाप होते हैं, आपने जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य मिलता है। और गुरुवार के दिन आपको नहाने के पानी में हल्दी डालनी है। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, कारोबार में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। और शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दे या कोई इत्र, ये परफ्यूम नहीं, इत्र आता है, एक इत्र की कुछ बूंदे डाल दें। उससे यदि आप नहाते हैं तो आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो बहुत मजबूत होता है। शुक्र को यश, धन और सौभाग्यों का ग्रह माना जाता है। इस उपाय से भौतिक सुख सुविधाएं और आकर्षण जो है आपके जीवन में बढ़ता है। और शनिवार के दिन, वैसे तो हमने आपको बताया पहले कि नमक को डाल के नहाना है, लेकिन शनिवार के दिन जो है आपको काले तिल, थोड़े से काले तिल जो है उसको नहाने के पानी में डाल दें। उससे आपके ऊपर से जो है शनि के जो अशुभ प्रभाव है वो दूर होते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप इन उपाय को करें और मुझे लगता है कि अवश्य जो है आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। हरिओम।